कनपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान घर में लगी आग, मां बेटे की मौत। राजस्व विभाग की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। पत्नी और बेटी को बचाने की कोशिश में पति और बेटा घायल, गांव वालों में गुस्सा है। एडीजी जोन कानपुर, आईजी रेंज कानपुर, कमिश्नर कानपुर, डीएम, एसपी कानपुर देहात मौके पर, एसएचओ लेखपाल, जेसीबी ड्राइवर समेत 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज। अखिलेश यादव का ट्वीट, योगी की बुलडोजर नीति से दो जान ले ली, ब्राह्मण परिवारों को निशाना बना रहे हैं। कांग्रेस की प्रतिक्रिया, कानपुर में ब्राह्मण परिवार के घर पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया, मां बेटी ने आग लगाकर जान दे दी। बिहार के हाजीपुर से बड़ी खबर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की हत्या की साजिश का मामले में बड़ा खुलासा, साजिश का वीडियो आया सामने, पुलिस महकमे में हड़कंप। तीन दिन के बाद 18 फरवरी को शिव बारात में आना था उनको, और इसी दौरान हमले की साजिश थी। वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस, आरोपी युवक गिरफ्तार। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव के काफिले पर कई गाड़ियां सड़क हादसे का शिकार हुई, 9 घायल। ओवरटेक कर रहे ट्रक की वजह से 3 गाड़ियां आपस में टकराई, बाल बाल बचे पप्पू यादव। आरा बक्सर रोड पर हादसा हुआ, एक गाड़ी पलटकर सड़क की दूसरी तरफ जा पहुंची। छपरा से लौट रहे पप्पू यादव मुबारकपुर लिंचिंग कांड के पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। नीतीश कुमार के काफिले को पास कराने के लिए सासरा में एम्बुलेंस को रोका गया, घंटे भर तक बंद रही सड़क। बिहार के औरंगाबाद में सीएम नीतीश कुमार पर कुर्सी फेंकने के मामले में नया मोड़, डीएम की सफाई, कोई कुर्सी नहीं फेंकी गई। मुरादाबाद के एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने छजैन मामले में पूर्व सांसद आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया, 2 साल की सजा। पुलिस के साथियों के खिलाफ प्रदर्शन, 2 गाड़ियों में लगाई गई आग। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकियों पर किया हमला, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज। देवरिया में बारातियों से भरी बस पलटी, 6 बाराती जख्मी। महादेव मेले में जा रहे श्रद्धालु, ट्रक में सवार थे 12 लोग, लोगों ने मिलकर हाईवे को रोका, तोड़फोड़ के बाद से सड़क पर लगाया गया जाम। दिल्ली के भवाना में कुर्सी बनाने की फैक्ट्री में आग, दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। भीलवाड़ा में महायज्ञ के दौरान पंडाल में आग, श्रद्धालुओं में मची भगदड़। यज्ञ की वेदी से निकली लपटों से भड़की आग, 12 दिन तक होना था अतिरुद्र महायज्ञ। अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग को लेकर जमकर हंगामा, राज्यसभा 13 मार्च तक अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, शेयर बाजार में निवेशकों का हित सुरक्षित रखने का मामले पर बहस, केंद्र सरकार कमेटी बनाने को तैयार। असंसदीय टिप्पणी के लिए लोकसभा में मिले नोटिस पर राहुल गांधी बोले, अडानी पर मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, लोग चाहे तो गूगल कर लें। प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी ने अपमान करने का लगाया आरोप, कहा उनके शब्द अपमान करने वाले, लेकिन संसद की कार्यवाही से उनके शब्दों को नहीं हटाया गया। राहुल गांधी का प्रयागराज का दौरा रद्द, वाराणसी में नहीं उतरने दिया गया विमान। संसदीय क्षेत्र वायनाड में राहुल गांधी ने विश्वनाथन के परिजनों से मुलाकात की, विश्वनाथन ने मॉब लिंचिंग की पीड़ा के बाद खुदकुशी की थी। पुलवामा हमले की 4th बरसी आज, इसी दिन आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान हुए शहीद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नागालैंड के दौरे पर, मैनिफेस्टो करेंगे जारी, रैली को करेंगे संबोधन। दिल्ली में सिविक सेंटर पर स्ट्रीट वेंडर्स का प्रदर्शन, G20 आयोजन के दौरान रेहड़ी पटरी वालों को नहीं हटाने की मांग। दिल्ली के महरौली में अवैध निर्माण पर चल रहे बुलडोजर पर सियासत तेज, आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई पर उठाए सवाल। प्रयागराज में माघ मेले में किसानों का अनूठा प्रयोग, बाजरा से बने कुल्हड़ का कर रहे हैं प्रचार। इंदौर में होने जा रहे G20 बैठक के लिए आए 100 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि, बैठक में शामिल होने से पहले किया हेरिटेज शिरडी परिक्रमा में शामिल, देश भर से आए 25 से 30 हजार श्रद्धालु, 14 किलोमीटर तक होती है यह परिक्रमा। मुजफ्फरनगर में थानेदार ने अपने पुलिसकर्मियों के बीच में बांटे जूते, प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए उठाया गया कदम। यमुनानगर का युवक करेगा कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा, कश्मीर के लाल चौक पर फहराएंगे तिरंगा, कृष्ण कुमार पहले भी बना चुके हैं 3 रिकॉर्ड। गया में अवैध अफीम की खेती पर पुलिस का एक्शन, 978 एकड़ में लगी अफीम की फसल नष्ट। बिहार के आरा में पुलिस ने मुखिया प्रत्याशी के ऊपर गोलीबारी के मामले में 2 लोगों को अरेस्ट किया, बड़ी मात्रा में हथियार। रुड़की की गौशाला में आग, कई जानवर झुलसे, 1 बछड़े की मौत। चरखी दादरी में शादी में नहीं मिली कार तो मंडप से दूल्हा हो गया फरार, लड़की पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। झज्जर में 2 गाड़ियां आपस में टकर गई, हादसे में 1 युवती की मौत, 1 घायल। मुंबई में मलाड में स्लम एरिया में लगी आग, हादसे में 1 की मौत, कई घायल।
राज्य के सिंदरी से विधायक इंद्रजीत महतो के बेटे ने जहर खाकर सुसाइड किया, अभी तक आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं। हरदोई में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म करने के बाद आरोपी फरार, पुलिस से मुठभेड़ के दौरान जख्मी हुआ। मुजफ्फरनगर में सैलैंड ब्लास्ट में 5 घरों में लगी आग, 10 लाख का सामान जलकर खाक। राजस्थान के चूरू में मजदूर की पीट पीट कर हत्या, आरोपियों ने खेत में बुलाकर दिया घटना को अंजाम। आगरा में दोस्तों ने के साथ शराब पीने की शर्त में गई एक शख्स जान, दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कौशाम्बी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, करीब 1 करोड़ की कीमत की अवैध शराब का जखीरा जब्त किया गया।